आइए अब देखते हैं कि बाबा ने मेहनत करने वाले के ऊपर कैसे कृपा की। द्वारका माई में बांटे जाने वाले नैवेद्य से पेट भरकर मौज करने वाले कई लोग थे। उनमें एक खुशहाल व्यक्ति भी था जिस पर श्री साईं बाबा शुरू से ही नजर रखे हुए थे। इस व्यक्ति के पास 3-4 एकड़ जमीन थी, लेकिन वह मेहनत करने के लिए राजी ही नहीं था। एक दिन बाबा ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे खेत में धन से भरी हंडी है, अगर तुम जमीन पर हल चलाओगे तो वह हंडी तुम्हें मिल सकती है, इसलिए अब यहां खाली मत बैठो। धन का लालच किसे नहीं होता। दूसरे ही दिन वह अपने गांव वापस चला गया, लोगों से हल मांगा और उसे